और हम कुछ लेबर वालों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। देता ना एक गाड़ी आता है वो गाड़ी। अच्छा अच्छा, आप कौन सा कंट्री से है? बांग्लादेश का। तो लेबर हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक आपने मेरे चैनल पर दुबई के बड़े बड़े मॉल्स, बीचेस और बहुत सारी शानदार जगह देखी होंगी, पर आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। और आज हम आपको दुबई की उस मैन पावर से मिलाने वाले हैं जिसने ये बड़े बड़े मॉल्स, बीचेस और ये बहुत सारी शानदार जगह और पूरे दुबई को जिसने डेवलप किया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आपने अभी इंट्रो में देखा, आज हम आए हैं अलकोज़ एरिया में, दुबई का अलकोज़ एरिया। ये पूरा लेबर एरिया है और आपको हम इस एरिया की पूरी डिटेल दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि लेबर यहाँ पर कैसे रहती है, क्या उनका रूटीन है और यहाँ पर कैसे उनकी व्यवस्था है और कैसे उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। सो अभी आप देखो, ये लेबर कैंप्स हैं यहाँ पर। अभी मैं एक कैंप के अंदर आया हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का वॉशिंग एरिया दिखाता हूँ। यहाँ पर लेबर अपने बर्तन वगैरह साफ करते हैं और ये वॉशिंग मशीन्स रखी गई हैं लेबर के लिए, कपड़े धोने के लिए, और ये वाटर कूलर्स लेबर को ठंडा पानी देने के लिए, और ये वॉशरूम्स वगैरह लेबर के आप देख रहे हैं। सो अभी आपको हम यहाँ का किचन और रूम्स भी दिखाएंगे और आपको कुछ लेबर वालों से बात कराएंगे। तो अभी आपको हम लेबर रूम्स भी दिखाते हैं। ये देखो, ये लेबर रूम्स हैं और यहाँ पर हमारे सभी इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, बांग्लादेशी, श्रीलंका वाले हैं, सब भाई बंकर बेड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हेलो भाजी, की हाल है जी? भाजी कितने हो तुसी? जलंधर हो जी। ये देखो जी, जलंधर वाले साहब साढ़े इतने मौजा लुटते दुबई दी। चलो अभी आपको यहाँ का किचन एरिया और यहाँ के कैंपों से भी मिलवाते हैं आपको, फिर आपको दुबई का अलकोज़ का लेबर एरिया का बाकी एरिया भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको अभी यहाँ के कैंपों से भी मिलवाते हैं। भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक है। और भाई साहब कहाँ से आप? मैं पाकिस्तान मुल्तान से हूँ। थोड़ी बात करते हैं कैंप के बारे में। चलिए चलिए भाई साहब, थोड़ा आज हमको कैंप के बारे में बताएंगे। जी, मेरे पास यहाँ पर इस कैंप में है कोई 550 लोग रहते हैं यहाँ पर, इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी सब मिक्स रहते हैं यहाँ पर। एक अच्छा माहौल है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर लोग दोस्ताना तौर पर रहते हैं। मुझे तकरीबन कुछ 4 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ, 4 साल से ही तकरीबन को कैंपों में। कैंपों से मिले और मैं आपको वहाँ का अभी किचन एरिया भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ का किचन एरिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबर वाले खुद अपनी खाना बनाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे गैस के चूल्हे और पूरी व्यवस्था की गई है। हाँ जी दोस्त, क्या हाल है? अच्छा है। क्या नाम है आपका? सानी दिवार। कहाँ से आप? इंडिया से। इंडिया से कौन सी जगह से? शिवाना। शिवाना बिहार। कितना टाइम हो गया दुबई में? 8 महीना हो गया। 8 महीना। 8 महीना, अच्छा। तो ये खाना वगैरह कैसे बनाते हैं यहाँ पर? सभी लोग अपने मिलजुल कर बनाते हैं। और खाने का सामान, राशन वगैरह सभी अपना है, अपना लेकर आते हैं। और ये बर्तन वगैरह सब, ये सब अपना है। और गैस का चूल्हा वगैरह वो सब कौन देता है? वो कंपनी देती है। कंपनी खाने का पैसा भी देती है? नहीं। चाचा क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? शिव पतन चौहान। हाँ जी, शिव पतन चौहान। कहाँ से आप? इंडिया से। किस जगह से? गोरखपुर, देवरिया से। अच्छा, देवरिया। अरे वाह, कितना साल हो गया यहाँ पर? 5 साल। चलिए ठीक है, खाना बनाइए आप।
दोस्तों मैं अभी कैंप से थोड़ा बाहर आया हूँ और आपको कैंप के बाहर का थोड़ा माहौल दिखाता हूँ और हम कुछ लेबर वालों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। ये हेयर कटिंग का भी एक अलग तरीका लेबर वालों ने अपनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबर वालों के लिए यहाँ पर सस्ते में हेयर कटिंग करने का भी इंतज़ाम है। तो ऐसा नहीं है कि उनको सैलून में जाना है और वहाँ पर बहुत पैसे खर्चने हैं। तो दुबई में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सस्ते में भी कर सकते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? इंडिया से। किस जगह से? इंडिया से उत्तर प्रदेश। यूपी? यूपी वाले भैया जी। यूपी जिंदाबाद। दुबई के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तो आपने देख लिए, अभी आपको लेबर का सुपर मॉल दिखाते हैं। समोसे, जलेबियाँ कैसे दी भाई? जलेबी एक ग्राम तीन पीस। ओके धुलाई करें नरम हो जाएगा ये। कहाँ का माल है? नरम हो जाएगा। कहाँ का माल है? चद्दर कहाँ का है ये? बांग्लादेश का है क्या चद्दर? बांग्लादेश का ये चद्दर कहाँ का है भाई? कहाँ का चद्दर? ये चादर बांग्लादेश? नहीं नहीं। हाँ ये लार का। कितने का? 15 का। ठीक है, अच्छा है। चद्दर, पर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, ये पूरा चाइना माल है। मालूम नहीं है, लुक लाइक चाइनीज माल। और ये लेबर का देसी क्लोथ्स का रिटेल स्टोर, सो डायरेक्टली दे विल बाय सेकेंड हैंड क्लोथ्स ऑन चीप प्राइसेस। क्या हाल है दोस्त? कैसे दिया हो? दिराम किलो। 6 दिराम मतलब लगभग 120 रुपए किलो। वेजिटेबल मार्केट। कहाँ से लाते भाई सब्जी? कहाँ से? अबू धाबी से। आलू लो, गोभी लो। टिंडे ले लो, टिंडे। अरे वाह, गोल गप्पे, सेकंड हैंड मोबाइल। सो ये ओपन सुपरमार्केट और सुपर मॉल फॉर लेबर, चाट पकोड़े से लेकर मोबाइल एक्सेसरीज, पर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो लेबर को बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा सामान कच्चे से लेकर बनियान से लेकर सब कुछ यहाँ मिल जाता है। ये कितने का है? 5 का। अच्छा है। चैनी खैनी शिखर
रजनीगंधा, पान, तुलसी सब अवेलेबल है यहाँ पे। ये देखो भाई, कहाँ से लेके आते हैं सामान? हम लोग मार्केट से। मार्केट से लेके आते हैं? कहाँ से आप? कहाँ से? वो गाड़ियाला देता है ना, एक गाड़ी आता है वो गाड़ी। अच्छा अच्छा, आप कौन सा कंट्री से है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश से? कितना टाइम हो गया यहाँ पर? 8 साल। अच्छा, तो ठीक है, दिल लगता है दुबई में? अच्छा है, लगता है। दुबई अच्छा है? वेरी गुड। कितने पैसे बन जाते हैं? वो पैसा जाता नहीं ना। कितना? 20 दिराम, 25 दिराम? यस आता है, 10 आता है, यस आता है। 10 भी आता है? तो मतलब 10-20 दिराम भाई के बन जाते हैं दिन में, मतलब कि 200 रुपये तक इंडिया के, 200-300 रुपये तक दिहाड़ी बन जाती है। थैंक यू भाई। गर्मी बहुत है दुबई में एक तो, राइट नाउ मे बी 38 डिग्री टेम्परेचर, तो फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहे। और दोस्तों आप देख रहे हो, ये है यहाँ पर एक सुपर मार्केट, लेबर कैंप्स के बीच में एक बड़ा सुपर मार्केट है। अभी आपने देसी मार्केट देखा, और ये है एक प्रॉपर सुपर मार्केट, और वो सारे लेबर कैंप सामने। सो सारा सामान वहाँ बाहर नहीं मिलता है लेबर को, तो कुछ छोटा मोटा सामान के लिए वो सुपर मार्केट में भी आते हैं। तो भाइयों, यहाँ पर मुझे अभी इंडिया के अपने एक भाई मिले हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं, बताएंगे यहाँ पर इनकी लाइफ कैसी है। तो भाई साहब, आप क्या काम करते हैं? लेबर का काम करते हैं। लेबर का काम करते हैं? कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 9 साल। 9 साल से यहाँ पर है। और आपका यहाँ पर क्या रूटीन है, मतलब दिनचर्या क्या है आपकी यहाँ पर कैंप में? 5:30 बजे उठता है, 6 बजे ड्यूटी जाना है। और आपकी बाकी यहाँ पर जैसे साइट पर जाने में कितना टाइम लगता है, और दिनचर्या काम की कैसे है? साइट जाने में उसके 55 मिनट या 50 मिनट्स। जैसे कि आप छुट्टी किस दिन होती है आपकी? छुट्टी ओनली फ्राइडे। फ्राइडे के दिन होती है, तो आप क्या करते हैं फ्राइडे के दिन? खाना बनाना, कपड़ा धुलना, सोना, वही रेस्ट है। तो यहाँ की लाइफ कैसी लगती है आपको? हिसाब सही भी है, क्या बोले। तो भाइयों, ये एक और बांग्लादेश के भाई मिले हमको, इनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम नाइम। आप बांग्लादेश से हैं? बांग्लादेश का। कितना टाइम हो गया? मेरा 2007 में आया। अच्छा, बांग्लादेश में किस जगह से है? बोगुरा। बोगुरा, तो क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? अभी तो पहले तो कंपनी में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम किया, अभी 4 साल हो गया क्लीनिंग काम कर रहे हैं। क्लीनिंग का काम करते हैं? कितना सैलरी मिलता है आपको? आपको सैलरी ज़्यादा नहीं है, आप 1100 सैलरी मिलता है। 1100 दिराम? 1100 दिराम। तो कितना टका हो गया बांग्लादेश का? बांग्लादेश का 23,000। 23,000? सेम इंडिया का 20,000 है। 23,000। अच्छा, तो आपका क्या रूटीन है यहाँ पर, दिनचर्या कैसा है आपका? हाल अभी सही नहीं, ठीक में घर में बहुत मुश्किल है, अभी छुट्टी जाएगा दिल करते, अभी पैसा नहीं मिला है ना, कैसा जाएगा। अच्छा, घर जाने का दिल करता है और पैसा नहीं है, दो साल बाद कंपनी भेजेगा। अच्छा, 4 साल हो गया छुट्टी नहीं जाता है, अभी पैसा बहुत पैसा मांगता है, अभी किधर से पैसा मिलेगा? 4 साल से घर नहीं गया। 4 साल से नहीं गया, पैसा के लिए प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी आप सुबह कितने बजे उठता है? मैं 6 बजे उठ के ड्यूटी चालू कर रहे हैं, कि लड़ेगा, खाना खाएगा, फिर भी अभी काम चालू करेगा, 5 बजे ड्यूटी खाना सोएगा। 5 बजे आता है रूम पे, कितने बजे आता है? 5 बजे, 5:30 बजे। फिर उसके बाद? उसके बाद तो काम, किधर भी काम नहीं, खाना अच्छा बनाएगा, खाना खाएगा। नहीं भाई, आपसे मिलके अच्छा लगा, और इंशाल्लाह आपको जल्दी छुट्टी मिलेगा और आप जल्दी घर जाएंगे। ठीक है, ओके, सलाम वालेकुम। और एक और भाई से बात करते हैं, थोड़ा आपको पता लगेगा दुबई की लाइफ के बारे में। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम लिटन है। लिटन, आप कहाँ से है? कोलकाता इंडिया। कोलकाता इंडिया। कितना टाइम हो गया आपको दुबई में? दुबई में हो गया 7-8 साल हो गया। क्या काम करता है आप? कंस्ट्रक्शन का काम करता है। कंस्ट्रक्शन में काम करता है जी। तो आपका लाइफ कैसा है यहाँ पर? लाइफ बहुत मुश्किल है भाई दुबई का। अच्छा, क्या मुश्किल है? आबू धाबी ड्यूटी है, इधर से दुबई से जाने के लिए बस में 2-3 घंटा लगता है आने, इधर आके खाना बनाने का, नाइट सोने का, फिर 12-1 बज जाता है, फिर सुबह जाना पड़ता है ड्यूटी में, ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, और बताओ लिटन भाई, कैसे रहता है यहाँ पर? इधर तो भाई बहुत हालत ख़राब है, सुबह उठ के नहाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, बाथरूम के लिए खड़ा होना पड़ता है लाइन में, फिर तो और ऐसा बहुत मुश्किल है दुबई में। और खाना बनाने के लिए? खाना बनाने के लिए भी मुश्किल है, लाइन में खड़ा होकर खाना बनाना पड़ेगा किचन, मतलब हर काम की लाइन में लगना पड़ता है। और काम है इधर दुबई में, कोई भी काम है लाइन में पक्का जाना चाहिए। तो दुबई का लाइफ कैसा लगता है आपको? दुबई का लाइफ ऐसा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग जो लेबर, हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है।
लेबर का लाइफ मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो जैसा लोगों को लगता है कि दुबई गया तो बहुत पैसा कमा रहा है, पर वैसा नहीं है। ऐसा नहीं भाई, इधर बहुत मुश्किल है, लेबर क्वालिटी में आएगा तो बहुत मुश्किल दुबई में। अच्छा, लेबर का लाइफ इतना आसान नहीं है। कितना पैसा एजेंट को देकर आता है वहाँ? इधर से आता है तो इंडिया से आएगा तो 1,00,000 दिख जाता है, कोई 80,000 दिख जाता है, कोई 1,80,000 एजेंट को दे के आता है। तो भाई सैलरी कितना मिलता है इधर? 800 मिलते हैं। और ओवर टाइम? ओवर टाइम मिल के 200 आ जाता है, 1,000 तक आ जाता है। तो 1,000 दिरहम मिलता है, मतलब कि आपको इंडिया का 18-20 हज़ार रुपये मिलता है। और खाना खुना खर्चा और क्या और कमती हो जाता है। हाँ, खाना का खर्चा भी अपना है, तो मतलब आप 15,000 तक सिर्फ घर भेज पाता है। और घर जाने के लिए कैसे है छुट्टी? घर जाने 2 साल वेट करना पड़ता है, कभी कंपनी भेजेगा तब जाना चाहिए, 2 साल बाद छुट्टी है। तो ये भी घर से दूर रहना पड़ता है थोड़ा, पैसे के लिए। ये यार लेबर में दुबई नहीं आना चाहिए, आएगा तो बहुत बड़ा पोस्ट में आएगा तो अच्छा है, अच्छी पोस्ट में आना चाहिए। चलिए ठीक है लेटर भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।